और इनसे बात करके हमें जानकारी मिली है कि ये गाय और भैंस के खालों को लेकर इसमें जाया जा रहा था। अब देखते हैं पुलिस आगे इसमें क्या कार्रवाई करती है। HR 38P 2058, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये ट्रक, इसके अंदर पूरे गाड़ी में गाय का मांस भरा हुआ है, देख सकते हैं ये खून टपक रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा तिरपाल हटाइए जरा, ये देखिए गाय भैंस का मांस, गाय भैंस का मांस इसके अंदर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। जो गाड़ी हम पीछे देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर ही गाय भैंस का मांस लगा हुआ है। अभी मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, ये जो भी क्लिप लिया हमने इसके अंदर ये सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इस गाड़ी के अंदर है। योगी सरकार के अंदर बूचड़खानों पे रोक लग गया है, लेकिन इस गाड़ी के ना तो कागज़ है, ना ही ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस, और ना ही एक मांस कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उसका कुछ पता है। ये अवैध रूप से ये काम चल रहा है। ये चौकी के अंदर अंदर चल रहे हैं और बात करते हैं। नाम क्या तुम्हारा? हकीम। हकीम, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। कहाँ के? बिहार के। बिहार के यहाँ कहाँ रहते हो? खोड़ा में। खोड़ा में। ये गाड़ी किसकी है? मोहम्मद से की। तुम इससे क्या करते हो? नौकरी करते हो। गाय बेचने, गाय का मांस बेचने का काम करते हो? भैंस का मांस है। इसमें लाइसेंस है? बूचड़खाने का लाइसेंस है? सबका कागज है? सर को दिखाया आपने? सर आपको इन्होंने कागज दिखाए? मंगवा रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल इनके पास कोई कागज है? अभी फिलहाल तो नहीं बता रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ जो दो बंदे थे वो कहाँ गए? दो बंदे चाय की दुकान में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब क्राइम करने के बाद वो चाय पीने के लिए चले गए और तुम पुलिस चौकी में आ गए? चाय की दुकान में बैठे हुए थे, चाय की दुकान में बैठे हुए थे। हमें बोला जीप में आके बैठ जाओ, मैं जीप में आके बैठ गया। फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने बोला कि गाड़ी स्टार्ट करो, लेकर थाने पे चलो। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब क्राइम कर लेते हो आप, उसके बाद चाय की दुकान में बैठ के चाय पीने लगते हो और उनको साइड में करके आप इधर चले आते हो। कागज आपके पास, जब गाड़ी लेके आप बूचड़खाने से निकले थे उस टाइम पे, तो आपके पास बिल होगा, कागज होगा, डीएल वगैरह गाड़ी के कागज तो होंगे ना? जी सब कुछ है। कहाँ है? साहब ने ले लिए। आगे क्या कार्रवाई करोगे? गाय कोई नहीं पकड़ी गई है, अभी जांच की जा रही है। इसमें ये हाल है, इसकी जांच की जा रही है, जो भी सवाल करोगे। अच्छा सर, जो मतलब वहाँ से रिपोर्ट आएगी क्या पता पटियागंज में कि ये गाय का मांस है, भैंस का मांस, जिस तरह से बताया जा रहा है कि भैंस का मांस है, तो सर ये आगे की पूरी कार्रवाई मिल जाएगी? हाँ। आगे यस लो।